हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम यूनिवर्सल मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 9 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज इवनिंग 9.1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट दिया हुआ है, इन ऑडिटोरियम हैज़ 4220 सीट्स, इन अ पर्टिकुलर कंसर्न 4500 सीट्स वेयर वेकेंट, व्हाट परसेंट ऑफ सीट वेयर ऑक्यूपाइड। एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे टोटल सीट है 42,000 और पर्टिकुलर कंसर्न के लिए 14,000 जो सीट है वो खाली रह गई है, तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंट सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हुई। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास में जो है कितनी है, 42,000। देन वैकेंट सीट कितनी है जो बची हुई है, 4200। देन सीट जो ऑक्यूपाइड है, अब ऑक्यूपाइड सीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सीट्स में से जो बची हुई सीट्स हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2800। देन अब परसेंटेज निकालेंगे तो जो ऑक्यूपाइड सीट है उसको क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ सीट्स है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 20 से 20 कैंसिल आउट। देन 42 से 28 को जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 66.6 टाइम, तो हमारा जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 66.6%। आई होप समझ में आया होगा, ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉट ऑफ ग्रे पेंट कंटेन ब्लैक पेंट एंड वाइट पेंट इन द रेशियो 3:17। यहाँ पे जो पॉट है ग्रे पेंट का, उसमें ब्लैक और वाइट पेंट का रेशियो दिया हुआ है जो कि आपका 3:17 है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं जिनको आपको फाइंड करना है। पहला है व्हाट परसेंट ऑफ पेंट इज़ ब्लैक, पहले ये बताना है कि कितने परसेंट पेंट जो है वो क्या है, ब्लैक। सेकंड, हाउ मच वाइट पेंट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 3.5 लीटर ऑफ ग्रे पेंट, इट मीन्स आपको कितना वाइट पेंट और रिक्वायर्ड होगा जो कि आपका ग्रे पेंट बनाए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशियो ऑफ ब्लैक पेंट एंड वाइट पेंट, जो कि आपका कितना दिया हुआ है, 3:17। क्या आपको क्वांटिटी पता है, नहीं, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी निकालेंगे जो कि क्या होती है, 100%। तो 3x+17x=100, ऐड करने पे कितना हुआ, 20=100। देन x की वैल्यू हमने फाइंड की तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 5। अब ब्लैक पेंट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 15, एंड जो वाइट पेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 85। अब हमारे पास में ब्लैक और वाइट की दोनों की क्वांटिटीज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा ब्लैक पेंट कितना है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा ब्लैक पेंट है 15%। सेकेंड में अगर हमको 3.5 की रिक्वायरमेंट है तो 3x+17x=3.5 लीटर, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी उसको फाइंड करेंगे तो 3.5/20, यहाँ से 17x, क्योंकि देखिए 20 यहाँ पे ये हो गया, x की वैल्यू हमारी है 3.5/20 जो कि वाइट पेंट में निकालना था, तो 17x=, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आया, 2.975 लीटर। ऐसा ही थर्ड का करेंगे, तो थर्ड में भी 3x+17x को ऐड करेंगे, टोटल कितना दिया हुआ है, 10.4। इसके इक्वल में लेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 104/200। इसको किससे करना है, हमको ब्लैक से करना है, इसलिए हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आया, 1.56 लीटर। आई समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मेहरा स्पेंट, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है मिस्टर मेहरा का, डिफरेंट टाइप्स में स्पेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले 30% स्पेंट करते हैं फूड पर, देन 10% स्पेंट करते हैं चैरिटी पर, 25% स्पेंट करते हैं देन सेविंग पर, और उसके बाद में जो बचता है वो कितना बचता है, 15,715। यहाँ से आपसे पूछा गया व्हाट इज मंथली सैलरी एंड ऑल्सो फाइंड मंथली सेविंग, अब सैलरी भी बताना है और क्या बताना है, सेविंग। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट द टोटल सैलरी बी
एक्स, हम मान लेते हैं कि उनकी टोटल जो सैलरी वो कितनी है एक्स, तो जो फूड पे स्पेंड होगा वो कितना होगा 3x/10, क्योंकि 30/100 होगा। देन चैरिटी पे 10/100 जो कि आपका क्या होगा 1x/10। देन सेविंग पे 25/100 जो कि आपका क्या होगा 1/4x। और जो लेफ्ट बचा वो कितना बचा 15,715। अब जो टोटल मनी है उसको हमने क्या सपोज किया एक्स, जो कि क्या होगी स्पेंड मनी और लेफ्ट मनी के सम के इक्वल में होगी। तो सभी चीज़ को हमने यहाँ पे पुट किया। देन इसके बाद सॉल्व किया, 10 और 4 का एलसीएम आया 20। एलसीएम को सॉल्व किया तो हमारे पास में कितना आया 6x/2x/5x/20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा ये स्टेप आया 20x। देन 20x=13x+20×15,750। देन 13x साइड चेंज किए हमने वेरिएबल्स की, तो 20x-13x=20×15,750। देन माइनस करने पे कितना आया हमारा 7x। तो 7 से क्या करेंगे हम इस डिजिट को डिवाइड करेंगे, जब डिजिट को डिवाइड करेंगे तो हमारा 15,750 7 से कट होगा, जो कि कितने टाइम होगा 2 to 5 टाइम। अब 2 to 5 का क्या करेंगे 200 में मल्टीप्लाई, तो जो हमारा कितना आएगा 45,000। इट मीन्स उनकी जो सैलरी है वो कितनी है 45,000। अगर आगे देखें तो आगे हम क्या देख सकते हैं, इसके जो फूड पे स्पेंड किया वो कितना किया 30, तो 33×45,000 इट मीन्स 113,500 वो किस पे स्पेंड कर रहे हैं फूड पर। चैरिटी पे कितना कर रहे हैं 44,500। एंड सेविंग कितनी कर रहे हैं 11,215। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे तो आप उसके आंसर भी ये बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर कंसिस्ट 15 पार्ट ऑफ टिन एंड 105 पार्ट ऑफ कॉपर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टिन एंड कॉपर इन अलॉय। अब यहाँ पे टिन और कॉपर के पार्ट दिए हुए हैं और आपको क्या करना है उस अलॉय में उनके पार्ट्स का परसेंटेज बताना है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एन अलॉय नंबर ऑफ टिन पार्ट कितने हैं 15, नंबर ऑफ पार्ट्स कॉपर कितने हैं 105। अगर हम टोटल पार्ट्स देखें तो टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे 120, जिसमें से 10 का पार्ट कितना था आपका 15, जो कि आपका 120 में से था मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12.5%। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ कॉपर देखेंगे तो जो कितना था हमारा 105, 120 टोटल था, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 87.5। इट मींस जो आपका 10 का परसेंट है वो कितना है 12.5% एंड कॉपर का 87.5%। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ कैंडिडेट स्कोर 25 मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। देखिए एक जो स्टूडेंट है वो 25% स्कोर कर रहा है और कितने मार्क्स से फेल हो रहा है 30 मार्क्स से, वाइल अनदर कैंडिडेट हुज स्कोर 50% मार्क एंड गॉट 20 मार्क्स मोर देन। और जो दूसरा स्टूडेंट है वो 50% मार्क लेके आ रहा है और जो कि आपके पासिंग मार्क्स के कितने ज़्यादा हैं 20 मार्क्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है मिनिमम पासिंग मार्क्स एंड आपको मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने थे और टोटल मार्क्स कितने थे ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए लेट हम सपोज कर लेते हैं जो एक्स है वो हमारा क्या है पासिंग मार्क्स और वाइस है वो हमारा क्या है मैक्सिमम मार्क्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है तो हमारा जो 25 मार्क्स से क्या हो रहा था वो गेट कर रहा था और 30 मार्क्स से वो फेल हो रहा था, इसलिए हमने इक्वेशन बनाई 25/100y=x-30। तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड किया, y/4 जो कि आपका 25 और 100 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका y/4 होया। x की वैल्यू आई y/4+30, तो इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। ऐसा ही सेकंड कंडीशन जिसमें 50% मार्क्स वो लेके आ रहा है और 20% मार्क्स 20 मार्क्स उसके
ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन 15y100y इज इक्वल टू x प्लस 20, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 50 और 100 कैंसिल आउट, तो 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 20 इक्वेशन बनी। x इज इक्वल टू 1/2y-20। दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि एक साइड हमारा इक्वल है, तो दोनों साइड हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। देन ये हमारी इक्वेशन जमी। अब यहाँ पे y की वैल्यू को एक साइड और बिना y की वैल्यू एक साइड, तो y/4 - y/2 - 20 - 30, ये हमारा हुआ स्टेप। देन LCM ले लिया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने इसमें डायरेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y - 4y/8 इज इक्वल टू -50। माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट, 50 × 8/2। तो यहाँ से y की वैल्यू है 2 से आपका 8 कट हुआ 4 × 5 = 20। इट मीन्स y जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका 200। अब पासिंग मार्क्स निकालें, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो x इज इक्वल टू 200/4 + 30, 4 से कट हुआ 50 × 50 + 30 = 80। इट मीन्स जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो कितना है 80, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उस टेस्ट या एग्जामिनेशन के वो कितने, 200। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन आइसक्रीम वेंडर हैज वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम इन द रेशियो। अब देखिए यहाँ पे वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम का रेशियो दिया है 4:9। इफ देयर आर 100 वनीला आइसक्रीम, और यहाँ पे वनीला आइसक्रीम दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, चॉकलेट आइसक्रीम का फाइंड करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ हमने डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया वनीला और चॉकलेट का रेशो, और वनीला और चॉकलेट, तो 4:9 100:x। आप जानते होंगे जो रेशो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका डिवाइड में। दैट्स वाई 4/9 = 100/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x इज इक्वल टू 100 × 9/4। 4 से 100 कितने टाइम कट हुआ, 25 टाइम। 25 × 9 इट मीन्स 225। तो जो आपका वनीला था और जो चॉकलेट था, तो चॉकलेट कितना आया आपका 225। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7। अनु परचेज आईपॉड एंड स्टोरिंग डिवाइस। अनु ने क्या किया, एक आईपॉड स्टोरिंग डिवाइस की, जो कि टोटल कितने मिली, 28,000 में। अब इनका जो रेशो है, प्राइस का रेशो, आईपॉड का है 17% और स्टोरिंग डिवाइस का 18%। तो इसको आपको निकालना है कि आईपॉड का और स्टोरिंग परसेंट का एक्चुअल मनी में प्राइस कितना है। चलिए देखते हैं, इन आईपॉड एंड स्टोरिंग डिवाइस कॉस्ट रेशो। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, कॉस्ट का रेशो, लेट कॉस्ट भी एक्स, कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, एक्स है। तो दोनों का सम हमारे पास में कितना है, 28,000। तो 17x + 18x = 28,000, 35x = 28,000। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो 28,000/35 कैंसिल किया, तो कितने टाइम कट हुआ हमारा 28 से, 35 से 28 हमारा कट हुआ 8 टाइम। इट मीन्स 800 हमारा क्या आया, x। अब x दिया हुआ है, तो iPod का और स्टोरिंग डिवाइस का हम प्राइस निकालेंगे। तो 800 × 17 13600। आईपॉड का प्राइस कितना आ गया आपका, 13600, और जो स्टोरिंग डिवाइस है उनका प्राइस कितना आया, 18 × 800, जो कि आपका कितना होता है, 14,400। तो दोनों के हमारे पास में क्या आ गया, कॉस्ट या प्राइस। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर दिया, इन अ स्टेशनरी शॉप 20% ऑफ टोटल पेन आर ब्रोकन। देखिए यहाँ पे कितने परसेंट पेन आपके ब्रोकन दिए हैं, 20%, और जिसके ब्रोकन पेन कितने दिए हैं, 35, और आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। चलिए इसको देखते हैं,
चलिए यहाँ पे ले लेते हैं लेट टोटल पेंस आर एक्स। हमने क्या मान लिया, टोटल पेन कितने हैं हमारे पास में एक्स, जिसमें से 20% पेन क्या है आपके ब्रोकन, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, वैल्यू आपको दी हुई है 35। देन एक्स मल्टीप्लाइड 20, रेशियो को चेंज किया अपन 100, 2 से कैंसिल हुआ कितने टाइम, 5 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 35 से, तो 35 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ, 175। इट मींस जो आपके टोटल पेन थे शॉप में वो कितने थे, 175। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑनमेंट वेट 12.5 ग्राम, इट हैज 2.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड एंड रेस्ट इज अलॉय, फाइंड द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड टू द अलॉय। एक आपका जो ऑर्मेंट है जिसका वेट है 12.5 ग्राम, इसमें 2.5 ग्राम का जो है टोटल क्या है आपका, प्योर गोल्ड है, और बाकी का क्या है, अलॉय। तो आपको क्या करना है, इसमें परसेंटेज फाइंड करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया वेट ऑफ ऑर्मेंट 12.5, अमाउंट ऑफ प्योर गोल्ड 2.5, अमाउंट ऑफ अलॉय। अब देखिए प्योर था और प्योर गोल्ड आपको मिल गया अलॉय का, तो अलॉय का हमने निकाल लिया कितने ग्राम है, सॉरी तो टोटल जो अलॉय है आपका वो कितना है ऑर्नमेंट में, 10 ग्राम। रेशियो निकालना है गोल्ड टू अलॉय, तो गोल्ड कितना है 2.5 और अलॉय कितना है 10। तो अब यहाँ से रेशियो रिमूव, डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10, 25 बन जा, 25 4 जा, तो आपका रेशियो कितना बना, 1.4। इट मींस प्योर गोल्ड आपका 1 क्वांटिटी है और अलॉय आपका कितना है, 4 रेशियो में। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन पार्टिसिपेट इन अ क्विज एंड ही अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। एक मैन ने पार्टिसिपेट किया एक क्विज में और उसने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया। ही आंसर्ड 66 2/3% ऑफ क्वेश्चन करेक्टली। उसने जो टोटल है 66 2/3% जो आंसर है उसको करेक्टली किया। देन 7 वर इनकरेक्ट, 7 जो है उसके क्या हुए, इनकरेक्ट हुए। इट मींस आपको जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो परसेंट में दिए हुए हैं और इनकरेक्ट दिया हुआ है 7। फाइंड हाउ मैनी क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली एंड वॉट वॉज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल उसने कितने आंसर्स करेक्टली दिए और टोटल क्वेश्चन कितने थे। चलिए इसको देखते हैं। चलिए ले लेते हैं लेट टोटल नंबर क्वेश्चन, हमने क्या मान लिया एक्स, तो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 66 2/3% ऑफ एक्स जो कि आपके करेक्ट क्वेश्चन है। तो आपका क्या होगा, इसको अगर हम मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करें तो कितना आएगा, 200/3, और परसेंट को चेंज किया तो 1/100x, तो टोटल कितना हुआ, 2/3x। चलिए नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन जो आपको दिए हैं वो 7 दिए, जो कि आपके टोटल में से करेक्ट को माइनस कर दें तो फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे x माइनस 2x/3 हमने किया इज इक्वल टू 7, यहाँ पे किया 3 का एलसीएम, तो 3x माइनस 2x अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 7 × 3 जो कि आपका कितना है, 21। देखिए यहाँ से आपने डायरेक्टली फाइंड किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे आपके, 21, एंड करेक्ट ऑप्शन कितने थे, तो 2/3x, तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो 3 से कट होगा, तो कितने टाइम हो जाएगा कट, 7 टाइम, तो 2 × 7 जो कि आपका कितना आएगा, 14। इट मींस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 थे और करेक्ट आंसर जो उसने दिया वो कितने दिया, 14। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।